एक बात ये भी कही जाती है कि मुलायम सिंह यादव, अभी अखिलेश ने जैसे कहा कि राम मंदिर तो हम भी बनवा देते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं वो राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। आपको याद है वो दौर जब राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई 1990 में? मुझे अच्छी तरह याद है, सब कुछ याद है। हम लोग विनय कटियार जी के भी बहुत करीब रहे हैं, विनय जी के हम आज भी करीब हैं। हो सकता है लोग विनय जी के पास जाने में डरते हो, कतराते हो, लेकिन हम विनय जी के हर टाइम उनके साथ हैं, हर टाइम साथ हैं, हमने उनका संगत देखा है। मुलायम सिंह यादव को क्या ये माना जाता था कि वो हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि उनको संज्ञा दी गई मुल्ला मुलायम की, तो आपको लगता था कि उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो मुसलमानों का वोट पाने के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलवा रहे थे? देखिए पता नहीं उनकी क्या रही होगी, हमारे कल्याण सिंह जी ने अब ढांचा गिरा है, तब गोली नहीं चलवाई थी। देखिए किसी को रोकने के लिए अगर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, आंसू गैस चला सकते थे, पानी की बोछारें डलवा सकते थे, गोली से आदमी का परिवार नष्ट हो जाता है। मुझे याद है कोठारी बंदी दो भाई थे, पैदल चल करके वो लोग आए थे, वो दोनों बेचारा उनका खत्म हो गया परिवार। तो गोली चलाना कोई विकल्प नहीं है कि गोली चला दीजिए, आप कंट्रोल करिए। बहुत बड़े बड़े आंदोलन कंट्रोल होते हैं, पानी की बोछार है हमने सही है, और क्या बोलते आंसू गैस है हमने बहुत बार सही है। जब भाजपा में रह के आंदोलन करते थे, विधान भवन के सामने आंसू गैस छोड़ी जाती थी, बहुत दम घुटता था, सब तरीके हैं करने के।